नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। प्रशांत किशोर को लेकर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार मिले हुए हैं, दोनों के बीच नूरा कुश्ती चल रही है ताकि महागठबंधन को तोड़ा जा सके और प्लान के तहत दोनों नेता अलग हुए हैं। ये बयान, इस बयान का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आ गया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रशांत किशोर भरोसे के लायक आदमी नहीं है। तो इन दो बयानों से ये संकेत मिल गए हैं कि जो कयास लगाए जा रहे हैं प्रशांत किशोर को लेकर कि वे आरजेडी की मदद करेंगे, महागठबंधन में जा सकते हैं, या फिर 11 तारीख को जो उन्होंने घोषणा की है कि वे कुछ बड़ा ऐलान करेंगे, तो वो ऐलान ये भी हो सकता है कि वे आरजेडी और महागठबंधन की मदद करेंगे, तो इन कयासों पर विराम लग गया है कम से कम तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह के बयानों से। इन बयानों से यह भी समझना आसान हो गया है कि आरजेडी में दूसरे नेता कुछ भी कहते रहें, होगा वही जो जगदानंद सिंह और तेजस्वी यादव कहेंगे। और जब जगदानंद सिंह ने पहले ये बयान दिया कि प्रशांत किशोर पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उनको आसपास फटकने नहीं देंगे, उसके बाद कई दिनों तक चुप रहने के बाद तेजस्वी यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, तो जाहिर है ये संकेत भी हैं, ये कयास भी हैं कि जगदानंद सिंह ने प्रशांत किशोर को लेकर तेजस्वी को कन्विंस किया है और उन्हें यह समझाया है कि प्रशांत किशोर पर भरोसा न किया जाए या फिर प्रशांत किशोर का साथ लेने के बारे में पार्टी न सोचे। पहले जगदानंद सिंह का वो बयान हम आपको सुनवाते हैं, उन्होंने क्या कहा था। बहुत बुद्धिमता के साथ, इसको हम लोग गांव में कहते हैं नूरा कुश्ती, ये दोनों मिलके कर रहे हैं। दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं दो, और किसी भी हालत में ये दोनों आंतरिक रूप से अलग हो ही नहीं सकते। केवल जानते हैं ये लोग कि अब महागठबंधन को हरा नहीं सकता भाजपा और जदयू, तो चालाकी से गठबंधन महागठबंधन आगे उसी एका न रहे, कैसे उसको अलग अलग किया जाए, इसकी रणनीति के तहत श्री प्रशांत किशोर जी को वहाँ से अलग किया गया है। दोनों के अंदर समझौता है, वो केवल बाहर आए हैं हम लोग के भीतर भ्रम पैदा करने के लिए। क्या आपको डर है कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति बना सकते हैं, आरजेडी से महागठबंधन से कांग्रेस को अलग कर सकते हैं, यही डर लग रहा हो? नहीं, वो क्या करेंगे वो जानते होंगे, लेकिन ये किसको तो अलग करेंगे या बिखराव कैसे करेंगे उनकी रणनीति होगी। लेकिन आशंका क्या नहीं, लेकिन हम सावधान हैं, किसी भी हालत में हम लोग अपने नज़दीक जिसके भी नज़दीक ही रहेंगे, हम लोग अपने नज़दीक उनको नहीं आने दे सकते हैं। आशंका किस बात की है, महागठबंधन में कैसे तोड़फोड़ कर देंगे वो? मैं कहाँ कह रहा हूँ, महागठबंधन के लोग बुद्धिमान हैं, इनकी ट्रैप में नहीं फंसेंगे, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसी काम के लिए दोनों अलग हुए हैं। तो साफ तौर पर जगदानंद सिंह ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार मिले हुए हैं, आसपास भी फटकने नहीं देंगे। और जगदानंद सिंह के बयान के बाद कई दिनों तक तेजस्वी यादव चुप रहे, लेकिन दिल्ली में कल उन्होंने कह दिया कि प्रशांत किशोर भरोसे के लायक आदमी नहीं है। अमित शाह ने उनको जेडीयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था और नीतीश कुमार ने कई बार जब ये कहा तो प्रशांत किशोर ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, उसका विरोध नहीं किया, और अब वे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं, तो जाहिर है प्रशांत किशोर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो साफ है कि प्रशांत किशोर को लेकर जेडीयू की राय क्लियर हो गई है, क्योंकि दो बड़े नेता, पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर की एंट्री महागठबंधन या आरजेडी में नहीं होगी, या फिर किसी तरह से प्रशांत किशोर का साथ नहीं लिया जाएगा। उसके बाद अब आरजेडी के जो कर्ता धर्ता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने भी कह दिया है, तो तस्वीर कम से कम पूरी तरह साफ हो गई है कि आरजेडी और प्रशांत किशोर का कोई कनेक्शन नहीं होगा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।